रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर तनवीर अब्बास, और इस सेमेस्टर में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हमारी एक फील्ड है, इसको स्टडी करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कोर्स है आप लोगों के सेमेस्टर में, और इन फ्यूचर ये आपके जो फील्ड है उसके अंदर भी काफी बेनिफिशियल होगा। इसके बारे में हम डिटेल से एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के हमारे इब्तदाई लेक्चर के अंदर कोर्स कंटेंट, रिकमेंडेड बुक्स और इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर वन को। जो आपका कोर्स कंटेंट और कोर्स आउटलाइन है थ्रू आउट दिस सेमेस्टर, वो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जा चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट को वो आउटलाइन रिसीव ना हुई हो तो ग्रुप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां से हम इस कोर्स आउटलाइन को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, जो इसमें आपको बुक रीडिंग्स के लिए रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो यहाँ पे 3 बुक्स रिकमेंडेड की गई हैं। आप इनमें से कोई एक बुक यूज कर सकते हैं। इनमें से 2 बुक्स आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि 3rd बुक है वो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। मार्केट से अवेलेबल है, पाकिस्तानी राइटर्स की लिखी हुई है, तो हाईली रिकमेंडेड जो है, मैं आपको जो ज्यादा रिकमेंड करूंगा, आप इन तीनों में से कोई एक बुक यूज कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप एट अ टाइम इन तीनों बुक्स को ही फॉलो करें। आप अपनी रीडिंग के लिए इन बुक्स से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, इंटरनेट से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ज्यादा आप जो है लेक्चर्स पर फोकस करेंगे तो ज्यादा कंटेंट आपको लेक्चर्स में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद स्लाइड्स। तो यहां से आप लोग फर्दर रीडिंग करके अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद एनहांस कर सकते हैं। इनमें जो 1st बुक है जो हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर बहुत अच्छा और आसान कंटेंट लिखा हुआ है, वो है कंप्यूटर साइंस एंड ओवरव्यू। ये जो 1st बुक है कंप्यूटर साइंस एंड ओवरव्यू बाय जे क्लीन, बुक शेयर इनकी तरफ से है। और दूसरी जो हाईली रिकमेंडेड बुक है, मतलब ये भी एक इजी वर्ड्स के अंदर बुक लिखी हुई है, इंडियन राइटर्स की तरफ से, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स बाय पीटर नॉर्टन। तो ये बुक भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बुक अवेलेबल है इन आवर मार्केट, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस बुक से भी आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स ले सकते हैं, बट हाईली रिकमेंडेड जो बुक है वो ये 1st वाली जो बुक है, कंप्यूटर साइंस एंड ओवरव्यू 11th एडिशन, तो ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ज्यादातर जो हमारा मटेरियल होगा वो लेक्चर बेस्ड होगा और आपको स्लाइड्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप इन स्लाइड्स को लेकर थोड़ी सी खुद रिसर्च करके अपना कंटेंट जो है वो अपने नोट्स बना सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर्स के बारे में आज हम कुछ तारुफ पढ़ेंगे। चलें शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर्स हमारी रोजमर्रा की हर फील्ड में यूज हो रहे हैं, वो चाहे हमारे सेलफोन से लेकर जहाज को कंट्रोल करने तक का सिस्टम ही क्यों नहीं है। तो कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंस हर जगह पे बहुत ही अहम है। अब अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में वैसे देख लें कि कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हमारी लाइफ की कौन कौन सी फील्ड में यूज हो रहे हैं, तो उनमें से सबसे पहले अगर आप देखें तो मेडिकल की फील्ड में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है। इसके थ्रू हम रिसर्च कर रहे हैं न्यू जो है मेडिकल के ऊपर। इसके अलावा दे आर यूज टू ऑपरेट ऑपरेशंस सारा अंजाम देने के लिए भी यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप की मेडिसिन को
मैन्युफैक्चर करने से पहले उनके फार्मूलाज ईटीसी बहुत सारे काम जो है वो कंप्यूटर्स के थ्रू किए जा रहे हैं। इवन ये सर्जरी में भी हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा अगर हम यूज करें तो कंप्यूटर्स का फोर्सेस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा यूज है। कंप्यूटर्स की मदद से एरोप्लेन्स को, टैंक्स को, मिसाइल्स को और इसके अलावा बहुत सारे वेपन्स को कंप्यूटराइज सिस्टम्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, तो वहां भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा एजुकेशन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर्स को यूज करके लेक्चर्स को पढ़ाने के तरीकेकार को, समझाने को, स्टडी के मेथड्स को बड़ा एडवांस बना दिया गया है। कंप्यूटर्स की मदद से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी के साथ समझ लेते हैं, बहुत सारी एनिमेशंस के थ्रू, बहुत सारी पिक्चर्स के थ्रू। तो अभी आप जो लेक्चर सुन रहे हैं बेसिकली ये भी आप एक कंप्यूटर की मदद से ही प्रिपेयर किया जा रहा है, जो आप तक पहुंचेगा तो उसके अंदर भी कंप्यूटर्स का ही यूज हो रहा है। ये तो थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर यूज है। अगर हम थोड़ा इसको छोटे लेवल पे देखें, मतलब अगर हम इसको पर्सनल लेवल पे देखें, तो पर्सनली हम इसका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लाइक जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप से हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक अपना जो मैसेज पहुंचाते हैं सेकेंड्स के अंदर, तो बेसिकली ये सारा काम हवा के अंदर ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, बल्कि इनके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं जो हमें दुनिया के मुख्तलिफ कोनों के साथ कनेक्ट रखते हैं। सेम जब आप यूट्यूब पे वीडियोस वॉच कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये वीडियोस वॉच करने के लिए आप मोबाइल फोन, लैपटॉप या कोई भी कंप्यूटर डिवाइस यूज कर रहे होते हैं, तो ये वीडियोस कहाँ से आ रही हैं, कहाँ पर सेव हैं और आप इंटरनेट के जरिए उनको कैसे अपने मोबाइल फोन पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर देख पाते हैं, तो इन सब के पीछे भी कंप्यूटर सिस्टम्स ही वर्क कर रहे होते हैं 24 आवर्स। सेम जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां भी हम कंप्यूटर्स की मदद से बहुत सारे दूसरे सिटीज से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। लाइक draz.pk जैसी वेबसाइट्स वगैरह को विजिट करके हम बहुत सारा अपना ही काम कर सकते हैं। बेसिकली हम जितने भी काम कर रहे हैं, हमारी हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर इन्वॉल्व है। आपकी स्टडी से लेकर आगे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हर जगह पर कंप्यूटर इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट तकरीबन BS के हर कोर्स के अंदर, जो मतलब हर एक जो BS है, चाहे वो BS फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कोई भी हमारे पास BS का प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम के अंदर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स जरूर पढ़ाया जाता है, क्योंकि आगे चलकर फिर इन अलग अलग फील्ड्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। और आप स्टूडेंट्स इस चीज से अवेयर हो कि आप ये जो भी फील्ड है, चाहे आप BS इंग्लिश से रिलेट करते हैं, चाहे आप BS बॉटनी से हैं या BS जूलॉजी से हैं, तो आपके आगे फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली इसका बहुत ज्यादा अमल दखल है। तो इस पूरे कोर्स के अंदर हम इसके बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, मतलब बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम नहीं जाएंगे जो कि BS कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हर चीज की जैसे डेफिनेशन होती है, तो सेम हमारे पास जो कंप्यूटर है इसकी भी डेफिनेशन है। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड कंप्यूटर पर, कि जो कंप्यूटर का वर्ड है ये कहां से आया। तो कंप्यूटर का वर्ड, द वर्ड टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटारे, इसको हम पढ़ेंगे कंप्यूटारे, लैटिन में इसे पढ़ते हैं कंप्यूटारे, तो ये एक लैटिन वर्ड है कंप्यूटारे, वहां से ये वर्ड डिराइव हुआ, जिसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कंप्यूटर, और इसका मतलब है, कंप्यूटारे का मतलब है टू कैलकुलेट, किसी चीज को कैलकुलेट करना, मतलब हिसाब किताब करना, टू काउंट, काउंटिंग करना, सम अप, जमा मनफी, ज़रब करना, टू थिंक टुगेदर, ये सारे मीनिंग्स हैं इस वर्ड कंप्यूटारे की।
और बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर है बेसिकली ये क्या करता है, कंप्यूटेशन करता है, कैलकुलेशंस करता है, डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशंस परफॉर्म करके मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो डेली लाइफ के टास्क हैं उन्हें सर अंजाम देता है, चाहे वो हमारी कोई कैलकुलेशन हो या हम कोई म्यूजिक सुन रहे हो या हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, कुछ भी हो, तो उस तमाम के पीछे कुछ कंप्यूटेशंस कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही होती हैं। तो ये वर्ड कंप्यूटर का जो माखिज है ये है लैटिन वर्ड कंप्यूटारे से। बहुत सारे आपको एब्रीवेशन मिलेंगे, कंप्यूटर का कोई एब्रीवेशन नहीं है, कंप्यूटर बताते खुद एक वर्ड है। अगर हम इसको डिफाइन करें व्हाट इज कंप्यूटर, तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर हमारे पास आजकल में हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि कंप्यूटर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन वो डिवाइस जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और ये डिवाइस क्या करती है, बेसिकली इस डिवाइस के तीन काम होते हैं, दैट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस, यानी ये ऐसी डिवाइस जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करे, यानी हम उसको जो बताते हैं उन तमाम बातों को समझकर उनको एक्सेप्ट करके फिर क्या किया जाता है, वो डिवाइस इनके ऊपर क्या करती है, प्रोसेस करती है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, और फिर उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद हमें प्रोवाइड करते हैं रिजल्ट्स, या जो भी आंसर होता है वो हमें आंसर प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके मुताबिक ये डिवाइस हमारी इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट करके उन पे कोई भी प्रोसेस करके, प्रोसेस करने के बाद हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इस डिवाइस को हम कहते हैं आ कंप्यूटर। तो इसकी और भी काफी सारी डेफिनेशंस हैं, ये आपके पास एक प्रिसाइज और वेरी इजी डेफिनेशन है। तीन बातें आपने याद रखनी है कि कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये है कि हम इसको कुछ ना कुछ बताते हैं किसी भी तरीके से, फिर वो उस उन बातों पे कंप्यूटर क्या करता है, अमल करता है, और अमल करने के बाद हमें जवाब मुहैया करता है। इसको मजीद आसानी से समझने के लिए हम मिसाल ले लेते हैं एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की। हम इंसान भी ये तीन काम करते हैं, हमें हमारे दिमाग को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, विद फ्रॉम अदर पर्सन आर बाय सेल्फ, तो हमारा माइंड इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करने के बाद हम माइंड के अंदर प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास कोई आंसर या रिजल्ट आ जाता है। सपोज मैं आप स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि 2 and 3 को ऐड करें, तो जब मैं आपको 2 and 3 ये नंबर्स बता रहा हूं और ये नंबर्स मैं आपको इनपुट कर रहा हूं, आप लोग इसको सुन रहे हैं, तो मतलब ये आप इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब आपने इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट कर ली तो फिर इसके जो प्लस का काम है वो आप लोग अपने माइंड के अंदर परफॉर्म करेंगे। आप माइंड में 2 + 3 सोचेंगे और आपने ये सीखा हुआ है कि 2 + 3 = 5, तो आपके माइंड में आंसर आ गया 5। अब वो आंसर अभी आपके माइंड में है, देन मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे आंसर भी बता दें, तो उसका आंसर जब आप बताएंगे दैट इज 5, तो ये इसका क्या है, रिजल्ट है। मतलब हम हमारा जो दिमाग है, इंसान का जो दिमाग है, वो भी इन्हीं तीन कामों पे, तीन स्टेप्स पे वर्क करता है, यानी एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को, उनको प्रोसेस करता है, देन रिजल्ट्स को प्रोवाइड करता है। इसके एक और एग्जांपल है, जैसे अगर आप चल रहे हो और चलते हुए आपके पांव में कांटा चुभता है तो आप पांव को फौरन ऊपर उठा लेते हैं, तो बेसिकली यहां भी ये तीन प्रोसेस हुए हैं। जब आपके पांव में कांटा चुभता है तो हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो सिस्टम वहां से इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है और फट से माइंड तक पहुंचाता है, माइंड उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद एक इंस्ट्रक्शन रिजल्ट प्रोवाइड करता है। क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि वो एक और इंस्ट्रक्शन भेजता है कि पांव को क्या कर लिया जाए, ऊपर उठा लिया जाए, ये सारा काम हमारा विद इन सेकेंड्स जो है परफॉर्म हो जाता है। तो इसी तरह से जो हमारी कंप्यूटर डिवाइस है, कंप्यूटर को भी
आप इंसानी दिमाग की जगह पे रख लें कि कंप्यूटर सिर्फ सोच नहीं सकता, बाकी सारे काम कर सकता है। तो कंप्यूटर के अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को फीड कर देते हैं, कंप्यूटर को हम सिखा देते हैं, फिर उन्हीं चीजों को यूज करके कंप्यूटर हमारे जो टास्क हैं उन्हें सरंजाम दे देता है। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स की। आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हम कंप्यूटर्स को क्यों यूज करते हैं, जबकि हम खुद भी बहुत सारे काम सरंजाम दे सकते हैं। सो Why we use computers? Computers ही क्यों, जब इंसान सारे काम कर सकता है तो computers का हम use क्यों करते हैं? तो उसकी जो सबसे पहली खूबी या characteristic है वो है इसकी speed। जो computers हैं ये बहुत ही तेज speed के साथ, बहुत ही high speed के साथ, बहुत ही fast speed के साथ हमारे तमाम complex operations को perform कर सकते हैं। For example, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ 2+3=2, आप फौरन से आंसर देंगे सर इट इज 5। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि 25+75, तो आप लोग फौरन से बता देते कि इट्स 100। मैं आपसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 150 एंड 250, आप फौरन से बता देते हैं कि सर इट्स आंसर इज 400। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ 32,167 + 62,587, तो यहाँ पर आप फौरन से इसका आंसर बता दें। तो इसका फौरन से आंसर आप नहीं बता सकेंगे, जी हाँ, आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए सोचना होगा। और जितनी देर में आप लोग ये सोचेंगे, सोचने के बाद जब आप इसका आंसर देंगे तो वो इस पे आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट इन केस ऑफ कंप्यूटर्स हम इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, सेकेंड से भी कम वक्त के अंदर हम इस जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को एक सेकेंड में, मिलियंस ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर की फास्ट स्पीड की वजह से हमारा जो काम है वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है, काफी जल्दी हो जाता है और बड़ी आसानी से हो जाता है। अगर हम बात करें जैसे गाड़ी की स्पीड हम मेजर कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर, तो इसी तरह से हमारे कंप्यूटर की स्पीड होती है कि हमारा कंप्यूटर कितना फास्ट है, इसकी स्पीड मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट यूज होता है वो हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज, ये यूनिट्स यूज होते हैं। हर्ट्ज का मतलब है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी एक वक्त में कितनी इंस्ट्रक्शन हम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कितनी इंस्ट्रक्शंस पे अमल हो रहा है, मतलब 1, 2, 3 कितनी जो बातें हैं वो एक सेकंड में परफॉर्म हो जाती हैं। तो इसके डिफरेंट फिर वो आ जाते हैं, तो सिंपली नॉर्मली 1 हर्ट्ज हम कह सकते हैं 1 इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकंड। मेगाहर्ट्ज का मतलब है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर आप लाखों की तादाद में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गीगाहर्ट्ज का मतलब है बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 1 सेकंड। तो ये हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक या पहली खूबी हो गई है जिसे हम क्या कहते हैं, इसकी स्पीड। इसी के साथ मैं एक और दूसरी को भी यहाँ पे ऐड करता चलूं। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर्स की वो है इनकी एक्यूरेसी। ठीक है, कंप्यूटर्स का जो आंसर होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल दुरुस्त होता है। कंप्यूटर जो है वो कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करता। अगर कंप्यूटर कोई रिजल्ट इनवैलिड देता भी है तो उसके अंदर हमारी अपनी मिस्टेक होती है कि हमने उसको रॉन्ग इनपुट दी होती है। तो इनका रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट होता है। जैसे अभी ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया कि आपने इसको सॉल्व करके आंसर देना है, यहाँ पे हो सकता है कि हम ह्यूमन से गलती हो सकती है और हमारा आंसर इनकरेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी अब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, स्पीड एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट है स्टोरेज। आपने अपनी क्लास 1 से लेकर अब तक बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, तो आप में से कितने लोगों को सारी बुक्स याद हैं?
या सारे बुक्स याद नहीं तो किसी एक बुक का हर चैप्टर एक एक पेज एक एक वर्ड क्या याद है? तो आप में से सबका आंसर होगा नो, आपको कोई भी बुक कंप्लीटली याद नहीं होगी। या आपको आपके बचपन के कुछ वाक्यात याद होंगे, तमाम वाक्यात याद नहीं होंगे, क्योंकि हमारे इंसान के दिमाग की ये एबिलिटी कह रहे या आप ये कह सकते हैं कि हमारा माइंड जब नई इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते जाते हैं तो जो पुरानी हमारी इंफॉर्मेशन है वो किसी ऐसी दिमाग के हिस्से में चली जाती है जहां से उसको वापस याद करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को, बहुत ज्यादा तादाद में इंफॉर्मेशन को याद नहीं रख सकता, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये एबिलिटी है। हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारी बहुत सारी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो डिवाइस खराब ना हो जाए या हम खुद उसको खत्म ना कर दें, तो हमारा डाटा जो है वो लंबे अरसे तक के लिए सेव रहता है। मिसाल के तौर पे आप अपने मोबाइल फोन से एक पिक्चर कैप्चर करके अपने फोन की मेमोरी में या मेमोरी कार्ड में सेव कर लेते हैं, तो जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करते आपका वो डाटा सेव रहता है, या आपकी वो डिवाइस खराब नहीं होती तो आपका वो डाटा सेव रहता है, बहुत ही लंबे अरसे के लिए सेव रहता है, और आप उसको बाद में यूज भी कर सकते हैं, उसको रिकॉल भी कर सकते हैं और उससे आगे शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स इंसान की निस्बत क्या है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, ये बड़ी कंसिस्टेंसी से वर्क करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर बगैर थके, बगैर अपनी जो अटेंशन है, अपनी तवज्जो है, उससे फोकस हटाए बगैर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 24 घंटे पूरा हफ्ता पूरा महीना पूरा साल जो है वो काम कर सकते हैं। ये इंसानों की तरह थकते नहीं है। अगर आप एक टास्क दे दिया जाए और आपको बिल्कुल कोई ब्रेक ना प्रोवाइड की जाए और आपको एक ही जगह पर बिठा दिया जाए, तो कुछ देर के बाद आप लोग थक जाएंगे और उस काम से बिल्कुल बोर हो जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के केस में यह है कि कंप्यूटर्स 24 घंटे चल सकते हैं और अपनी तवज्जो लूज नहीं करते और बहुत ही एक्यूरेटली अपना काम कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम तो अपना कंप्यूटर या फोन जब यूज कर रहे होते हैं तो ठीक है, तब तो ये काम कर रहे हैं, जब हम यूज नहीं कर रहे होते या हम इनको बंद कर देते हैं तो तब ये 24 घंटे कैसे चलते हैं? तो ये हमारे कंप्यूटर्स के अलावा दुनिया में और भी काफी सारे बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, लाइक बैंक की जो एटीएम मशीन है उसका कंप्यूटर्स हर वक्त ऑन रहता है। आप किसी भी टाइम वहां से कैश जो है वो विड्रॉ कराने जाते हैं तो वहां पे एटीएम मशीन के पीछे जो सारा सिस्टम होता है वो बेसिकली कंप्यूटर्स का सिस्टम है। सेम जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप के पीछे बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स रन हो रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जो 24 घंटे लगातार चलते रहते हैं और बिल्कुल अपना वर्क करते रहते हैं ताकि हमें जो है वो सर्विस प्रोवाइड होती रहे। सेम यूट्यूब है, गूगल है, तो इन तमाम के पीछे कंप्यूटर्स जो है वो 24 घंटे वर्क कर रहे होते हैं। इवन के आप जो मोबाइल फोन से कॉल करते हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर पे कॉल करते हैं, तो आपकी ये जो कॉल है इस कॉल को भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए दरमियान में जो हमारे पास डिवाइसेज यूज होती हैं वो बेसिकली कंप्यूटर्स ही हैं, और ये कंप्यूटर्स 24/7 चलते रहते हैं। और इनमें से कोई भी कंप्यूटर कभी ये नहीं कहता कि अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे रेस्ट दिया जाए, अब मैंने जो है इतना डाटा प्रोसेस कर लिया है तो अब जो है मेरा जो है मुझे सोने के लिए टाइम दिया जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इंसान के मुकाबले में कंप्यूटर्स जो है वो बहुत तेजी के साथ बगैर अटेंशन को लूज किए वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वर्सटाइल। कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा वर्सटाइल है, वैरायटी। वर्सटाइल कहते हैं ऐसी चीज या ऐसी डिवाइस या ऐसा पर्सन जो एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकता हो, जो ये एबिलिटी रखता हो कि जिससे हम बहुत सारे अलग अलग तरह के काम करवा सकें। अगर आप एक इंसान की बात करें तो इंसानों में बैक वक्त एक पर्सन जो है वो सिर्फ किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो सकता है, एक चीज को अच्छे तरीके से कर सकता है। लाइक अगर एक डॉक्टर है तो वो
एक अच्छा डॉक्टर है बन सकता है, वो मरीजों को चेक कर सकते हैं। अब एक डॉक्टर है वो ही डॉक्टर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो सकता उस सेम टाइम के अंदर। अगर एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, वो मरीजों को चेक कर सकता है। अगर एक डॉक्टर है और उसको ये कहा जाए कि वो एक बिल्डिंग का मैप बना के दे या किसी ब्रिज का मैप बना के दे, तो वो काम नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशल जो है हमारे पास सिविल इंजीनियर है, वो सिविल इंजीनियर का ये काम है। तो हर पर्सन जो है वो किसी एक उसके अंदर एक्सपर्ट होता है, उसके अंदर किसी एक किस्म की वैरायटी होती है। एक्सेप्शनल केस होता है कि कुछ लोग जो है वो डिफरेंट टाइप के टास्क जो है वो कर लेते हैं। अब कंप्यूटर सिर्फ एक किस्म का ही काम नहीं करता, कंप्यूटर के अंदर ये खूबी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि कंप्यूटर हमारे डिफरेंट टाइप के टास्क को, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इस पर गेम खेलनी है, आप गेम खेल सकते हैं। आपने इसके जरिए जहाजों को कंट्रोल करना है, आप जहाजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इसके जरिए मिसाइल्स को कंट्रोल करना है, तो इसके जरिए से हम, ये एक अलग तरह का काम है। इसके जरिए से हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो एक अलग टाइप का टास्क है। इसके थ्रू हमने कम्युनिकेशन करनी है, अपनी जो बात है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचानी है, तो बेसिकली ये भी एक अलग किस्म का टास्क है। तो एक कंप्यूटर जो है वो हमारे डिफरेंट टाइप के टास्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल की ही मिसाल ले लें, तो आप मोबाइल फोन के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं, आप इस पे म्यूजिक भी सुन सकते हैं, आप इस पे गेम्स भी खेल सकते हैं। तो मोबाइल फोन आपका एक ही डिवाइस है, लेकिन ये जो है डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ वर्सटाइल डिवाइस। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की डिफरेंट टास्क को सर अंजाम देने की वैरायटी होती है। अगर हम कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं, यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये जितना हम प्रोलोंग करना चाहें ये प्रोलोंग हो सकती है। तो यहाँ से हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे कम्युनिकेशन। तो ये आपको मैं अभी बता चुका हूँ, और आप लोग रोज ये काम करते हैं कि पुराने जमाने के अंदर जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे या कंप्यूटर्स को कम्युनिकेशन में यूज नहीं किया जाता था, तो लोग खत के जरिए, कबूतर के जरिए और मुख्य तरीकों से अपने पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब हम कंप्यूटर्स का यूज करके दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ना सिर्फ हम अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, बल्कि अपनी आवाज, अपनी तस्वीर, अपनी वीडियो भी हम लाइव शेयर कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है, या जितनी भी आजकल की हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, ये किसकी मदद से? कंप्यूटर्स की मदद से हो रही है। और विद इन सेकंड से भी कम वक्त के अंदर हम जो है रास्ते में पहुंच जाते हैं। तो अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की मजीद बात करें, तो काफी सारी इसकी और करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक इसकी मदद से हमारे काफी सारे पैसे बच जाते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर इसको रोबोट्स के तौर पर हम यूज कर लेते हैं। तो ये आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसके थ्रू हमारे बहुत सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं, इसकी काफी सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप लोगों ने इसकी मजीद जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप बुक से फाइंड करें, आप नेट से फाइंड करें और इनको खुद स्टडी करें। अगर मैं आपको लेक्चर के अंदर इसकी तमाम करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना शुरू कर दूं, तो हो सकता है कि हमारे 2 से 3 लेक्चर सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स पर ही चले जाएं। तो आप इसकी मेन जो है वो कोई 7 या 8 करेक्टरिस्टिक्स को ही माइंड में रखेंगे, और ये आप खुद भी अपने माइंड में बना सकते हैं, इतना ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। हम आज के लेक्चर को समराइज करते हैं और ये देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने कोर्स कंटेंट यानी कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कस किया, और इसके अलावा जो हमारे पास कंप्यूटर है इसका इंट्रोडक्शन देखा और उसकी इम्पोर्टेंस देखी हमारी डेली लाइफ के अंदर, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा शॉर्ट में स्टडी किया है कि कंप्यूटर जो है हमारी लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज हो रहे हैं। इनके आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी कौन सी फील्ड में ये कैसे काम करते हैं। और इसके अलावा आज हमने कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि कंप्यूटर्स जो है वो हम क्यों यूज करते हैं, हम खुद काम क्यों नहीं करते। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ा दी है, बाकी की आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, बुक से रीड कर सकते हैं और आप नेट से भी पढ़ सकते हैं और आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप खुद ज्यादा इससे भी बेहतर जानते हैं। जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा
उसमें हम कंप्यूटर्स की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और जो हमारी हिस्ट्री होगी ये दो या तीन लेक्चर्स के ऊपर जो है मुनासिब होगी। हम एक लेक्चर के अंदर पूरी हिस्ट्री को कवर नहीं करेंगे और ये हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये किसी किस्म की बोरिंग टाइप की हिस्ट्री नहीं है, कंप्यूटर की बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इसके अंदर आपको मैं कुछ वाकयात भी बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग वाकयात है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही तवज्जो से समझ लेने हैं। किसी बात की, किसी कंसेप्ट की अगर आपको समझ ना आई हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या यहाँ पे यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ज्यादा बेटर होगा कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुने, नोट करें और आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन जरूर पूछें। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।